देखिए, कल देर रात्रि 11:15 बजे मुखबिर की सूचना पे हमने माल गोदाम रेलवे स्टेशन के पास नकली दवाइयों के जखीरों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार करा, जिनका नाम श्रीपाल, पुनीत, शावेज और मुकेश है। इसमें पूछताछ में पता लगा है कि श्रीपाल नाम के जो व्यक्ति हैं, ये शंकर नाम के कोटद्वार के एक व्यक्ति के संपर्क में है, जो कि ऑन डिमांड नकली दवाइयाँ बेचते थे और इसमें भारी मुनाफा कमाते थे। इनका क्या प्रोफाइल है, किस तरह से ये चेन जुड़ी आपस में और कितने मेडिकल स्टोर्स पर अब तक ये दवाइयाँ पहुँची हुई हैं और कब से नेक्स्ट चल रहा था? देखिए, इसमें पूछताछ में उन्होंने बताया है कि सरफराज नाम के एक व्यक्ति हैं, जो कि मालीवाड़ा में एक मेडिकल स्टोर है, उस पर जॉब करते हैं, ये भी वांछित भी हैं। ये ऑन डिमांड शावेज से बातचीत करके शावेज को अपनी रिक्वायरमेंट बताया करते थे, शावेज आगे पुनीत के थ्रू श्रीपाल को बताया करते थे और श्रीपाल इसमें शंकर नाम के व्यक्ति, जो कि कोटद्वार के रहने वाले हैं, जो कि अभी वांछित हैं, उनसे ये दवाइयों का ऑर्डर करते थे। इसमें हमें अभी 2 दवाइयाँ मिली हैं, जिसमें ऑगमेंटिन नाम के ब्रांड नेम और साथ ही साथ अल्ट्राटेक के ब्रांड नेम की नकली दवाइयाँ मिली हैं, जिसपे ये भारी मुनाफा कमाते थे। इसका जो MRP है 2040 रुपये एक डब्बे का ऑगमेंटिन का है, जिसको ये डाउन द लाइन 400, 430 और 490 रुपये में बेचा करते थे। साथ ही साथ अल्ट्राशेड जो दवाई हमको मिली है, उसमें 2390 रुपये उसकी MRP है, जिसको 650, 700 और 830 रुपये का ये बेचा करते थे। मैन्युफैक्चरिंग सर इन दवाइयों की कहाँ पर हो रही थी, क्योंकि बस के माध्यम से भी इनको लाया जा रहा था, इसके बारे में क्या अब तक पुलिस को पता चल पाया है? देखिए, इसमें श्रीपाल ने पूछताछ में बताया कि शंकर नाम के व्यक्ति, जिनसे ये लगभग 2 साल पहले मेरठ में मिले थे, ये उनको माल वो प्रोवाइड कराया करते थे और उत्तराखंड की जो रोडवेज बस है उसके थ्रू ये कंडक्टर को मैनेज करके वहाँ पे ये माल की सप्लाई कराया करते थे। और इसमें डाउन द लाइन फिर आगे जाके अलीगढ़ और हिंडन विहार में और बाकी जगह गाजियाबाद में ये माल सप्लाई करा करते। सर, इस तरह की और भी क्या दवाइयाँ हैं जो नकली बनाई जा रही हैं और मेडिकल स्टोर पर जिनकी सप्लाई की जा रही है, क्योंकि ये तो शुरुआती चेन है जो पुलिस के हाथ में नहीं है, अभी बहुत से लोग होंगे जो इस नेक्सस के पीछे काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें ड्रग इंस्पेक्टर को यहाँ पर बुला लिया गया था और इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अभियोग पंजीकृत करा गया और जगह जगह अब जितनी भी केमिस्ट हैं उनकी सहायता के साथ हम दबिश भी देंगे और जो भी इस तरह का नेक्सस चल रहा है उसको पूरा पर्दाफाश करा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।